नमस्कार मित्रों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो बेटा लोगों? बढ़िया। चलिए तो फिजिक्स इंस्टीट्यूट अगेन इसी क्रम में सेकंड टेस्ट पेपर हम लोग आज लेके आ रहे हैं। केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से हम लोगों को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए, क्लास में लाइव रहिएगा, जहां आपको प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन का कोई भी। वैसे हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के ऊपर जाएंगे। देखिए बेटा जी, पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज का। पहला क्वेश्चन आता है मेरे पास, देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। 90 ग्राम पानी से कितना ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 ग्राम पानी से कितना ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है? क्लियर? देखिए बहुत अच्छे से इस चीज को समझिएगा। अगर मैं H2O को डिस्कस करूं, देखिए बेटा जी, H2O का अणु भार जो है हमको मालूम है कितना है, 18 ग्राम है। कितना है बेटा जी? H2O का अणु भार यदि डिस्कस करें तो H2O का अणु भार कितना है, 18 ग्राम है। और 18 ग्राम के अंदर देखिए 2 × 1 + 16, तो 18 ग्राम H2O कितना देता है मेरे को, 16 ग्राम ऑक्सीजन देता है। क्या दे रहा है? 18 ग्राम H2O कितना दे रहा है बेटा जी, 16 ग्राम ऑक्सीजन दे रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या किया इसने, 90 केजी से कितना प्राप्त किया जा सकता है। देखिए 18 ग्राम कितना दे रहा है, 16 ग्राम, तो 1 ग्राम H2O कितना देगा, 16/18। 1 ग्राम H2O कितना देगा बेटा जी, 16/18 देगा। चलिए तो अब कितना, 90 केजी H2O यानी कितना हो गया, 90,000 ग्राम हो गया। तो 90,000 ग्राम कितना देगा, मल्टीप्लाई करने इससे, तो इट्स अ गिव 80,000 ग्राम ऑक्सीजन। कितना देगा, 80,000 ग्राम ऑक्सीजन देगा। तो 80,000 ग्राम का मीनिंग क्या हो गया बेटा जी, 80 केजी इसका आंसर हो गया। क्या हो गया इसका राइट आंसर, 80 केजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बेटा जी, ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये मोल संकल्पना पे आधारित है। किस पे आधारित है बेटा जी, मोल संकल्पना के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन आधारित है, जहां हम आस्क करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टिंचर आयोडीन है, क्या चीज है टिंचर आयोडीन? देखिए बेटा जी, टिंचर आयोडीन का बात करें तो टिंचर आयोडीन जो है वो I2 का, आयोडीन का एल्कोहल में विलयन है। क्या चीज है, आयोडीन का एल्कोहल में विलयन है। किसकी तरह यूज किया जाता है, एज ए एंटीसेप्टिक की तरह इसका यूज किया जाता है। किसकी तरह यूज किया जाता है बेटा जी, एंटीसेप्टिक तरह। गुड मॉर्निंग बेटा जी, किसकी तरह यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, I2 का, आयोडीन का एल्कोहल में विलयन क्या कहलाता है बेटा जी, टिंचर आयोडीन कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंचर आयोडीन कहलाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु का प्रथम प्रारूप किसने दिया था? देखिए बेटा जी, अगर डिस्कस करें परमाणुविक संरचना से क्वेश्चन है, किससे है, परमाणुविक संरचना से क्वेश्चन है। क्या आस्क कर रहा है, परमाणु का पहला प्रारूप किसने दिया था, परमाणु का प्रथम प्रारूप किसने दिया था? तो बेटा जी, परमाणु का पहला प्रारूप दिया था मिस्टर J.J. Thomson ने। किसने दिया था बेटा जी, J.J. Thomson ने। और जो J.J. Thomson का मॉडल था, देखिए यहां पे एक वन लाइनर और लिखूंगा, कौन सा था, प्लम पुडिंग मॉडल कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं बेटा जी इसको, प्लम पुडिंग मॉडल कह सकते हैं। कौन सा नाम दे सकते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल नाम दे सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं इसको बेटा जी, वाटरमेलन मॉडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वाटरमेलन मॉडल या तरबूज मॉडल कह सकते हैं। क्या कह रहे थे J.J. Thomson कि परमाणु एक ठोस गोला है। देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिएगा बेटा जी बहुत अच्छे से, क्या कह रहे थे। यहां पे वन लाइनर्स जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या कह रहे थे J.J. Thomson कि परमाणु क्या है बेटा जी, ठोस गोला है। और ये जो ठोस गोला है ये किससे बना हुआ है, धनात्मक भाग से बना हुआ है। और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन इसमें सर्वत्र अनियमित रूप से वितरित है। तो ये जो डॉट्स हो गए ये क्या हो गए, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी इलेक्ट्रॉन कहां हो सकता है, सतह पे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। J.J. Thomson मॉडल के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, एक और क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम किसने परमाणु को विद्युत उदासीन बनाया था। तो परमाणु को विद्युत उदासीन बताने वाले
परमाणु को विद्युत उदासीन किसने बताया था? जे जे थॉमसन ने बताया था, ध्यान रखिएगा यह वर्ड। एटम इज द इलेक्ट्रो न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रो न्यूट्रल किसने बोला था बेटा जी? जे जे थॉमसन ने बोला था। किसने बोला था? जे जे थॉमसन साहब ने एटम को इलेक्ट्रो न्यूट्रल कहा था। यानी क्या बोल रहे थे? कुल धनावेश किसके बराबर होता है? कुल धनावेश बराबर होता है बेटा जी कुल ऋणावेश के। ये किसने बोला था? जे जे थॉमसन ने बोला था। किसने बोला था बेटा जी? जे जे थॉमसन साहब ने बोला था कि कुल धनावेश किसके बराबर होता है? कुल ऋणावेश के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या कह रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ सांद्र H2SO4 में गर्म करने पे बने लाल रंग के द्रव का नाम क्या है, या बना लाल रंग का द्रव का सूत्र क्या है? देखिए बेटा जी, बहुत अच्छे से समझिएगा, रिएक्शन को समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को हमने किसके साथ में गर्म किया? KCl के साथ में, पोटेशियम क्लोराइड के साथ में। और किसके साथ में गर्म कर रहे हैं बेटा जी? H2SO4 के साथ में। किसके साथ में गर्म किया? H2SO4 के साथ में गर्म किया। तो इसके साथ में गर्म करने पे क्या बनेगा बेटा जी? तो यहां पे बन रहा है CrO2Cl2, इसको बोलते हैं बेटा जी क्रोमिल क्लोराइड। क्या बन रहा है? लाल रंग का जो द्रव बन रहा है जिसकी वेपर भी निकलती है। क्या निकलती है बेटा जी? जिसकी वाष्प भी निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। ये क्लोरीन के टेस्ट रिएक्शन भी है। किसकी है? क्लोरीन की टेस्ट रिएक्शन भी है। और क्या बन गया? H2O + K2SO4। तो राइट आंसर क्या बना बेटा जी? क्रोमिल क्लोराइड बना CrO2Cl2। राइट ऑप्शन क्या हो गया? CrO2Cl2। ध्यान रखिएगा बेटा जी, ये क्या है? क्लोरीन का परीक्षण अभिक्रिया भी है। क्या है ये? क्लोरीन की परीक्षण अभिक्रिया भी है कि क्लोरीन उपस्थित है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण के बाद में बेंजोइक अम्ल देगा? देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, GOC का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा यौगिक किसके बाद में? ऑक्सीकरण के बाद में। किसके बाद में बेटा जी? ऑक्सीकरण के बाद में। तो अब बेटा जी समझते जाइएगा, देखिए मेरे पास उत्पाद क्या हो गया। देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आपके लिखिए प्रोडक्ट, लिखिए क्या हो गया, जहां इसने प्रोडक्ट बता दिया मैंने प्रोडक्ट लिख दिया। और ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो प्रबल ऑक्सीकारक क्या था? KMnO4 क्षारीय माध्यम में, या K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में, क्या है बेटा जी? प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक। तो इनमें से क्या बना? बेंजोइक अम्ल बना। देखिए मेरे पास क्या क्या है, क्लोरोफिनॉल है, नहीं बनेगा क्लोरोफिनॉल से, क्योंकि कार्बन चाहिए, कार्बन है नहीं। क्लोरोटोलुइन है, तो क्लोरोटोलुइन से भी नहीं बनेगा, क्लियर। क्लोरोबेंजीन से भी नहीं है, क्लोरोबेंजीन से भी नहीं है। अंतिम कौन सा हो गया? बेंजिल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया बेटा जी? बेंजिल क्लोराइड हो गया। तो बेंजिल क्लोराइड कौन सा हो गया? ये बेंजिल क्लोराइड हो गया। देखिए बेटा जी बहुत अच्छे से समझिएगा, चाहे यहां पे मैं टोलुइन ले लेता, सिंपल ओनली टोलुइन होता, या इथाइल बेंजीन ले लेता, प्रोपाइल बेंजीन ले लेता, कोई सा भी यौगिक ले लेता, जब भी ऑक्सीकरण होगा तो जितनी भी कार्बन चेन थी वो हट जाएगी, सिर्फ एक कार्बन परमाणु रहेगा। ध्यान रखिएगा, यदि बेंजीन रिंग पे एक या एक से ज्यादा कार्बन परमाणुओं की चेन उपस्थित है और किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हमेशा क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल ही बनेगा। तो कौन सा हुआ? बेंजिल क्लोराइड आंसर हुआ। क्या आंसर हुआ बेटा जी? बेंजिल क्लोराइड के ऑक्सीकरण से क्या बन रहा है मेरे को? बेंजोइक अम्ल बन रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा जी? बेंजिल क्लोराइड जो है वो क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। ठीक है, डन। चलिए बेटा जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपर
जेडन 29 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, जिंक का हमको क्या बताना है, कॉपर का हमको क्या बताना है, सॉरी कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग बनाता है। देखिए बेटा जी, कॉपर को डिस्कस करूं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है, जो इसने क्वेश्चन में दे दिया। देखिए 29 था तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए था, ऑर्गन 3D9 4S2 होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास ज्यादा स्थाई होता है। क्या होता है बेटा जी, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित, तो इसके पूर्ण पूरित करने के लिए S का एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसमें कूद गया, तो क्या बन गया 3D10 4S1। ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या हो गया 3D10 4S1, क्या हो गया बेटा जी, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी इसका राइट आंसर हो गया, 3D10 4S1 क्या हो गया बेटा जी, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लांक नियतांक का मान कितना है, क्या पूछ रहा है ये, प्लांक नियतांक का मान पूछ रहा है। देखिए बेटा जी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, प्लांक नियतांक H का मान होता है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड, जूल अपॉन सेकंड नहीं है, यहां पे ये लिखा नहीं है, जूल सेकंड होता है, कितना होता है जूल सेकंड होता है, या अर्ग में भी गिवन कर सकता था, कितना होता 6.626 × 10⁻²⁷ अर्ग सेकंड, ये प्लांक स्थिरांक के मान है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा जी, इसका ए इसका क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया, क्या हो गया 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। अगर अर्ग में ऑप्शन दे रखा होगा तो ये अर्ग का ऑप्शन हो गया, जूल अपॉन सेकंड नहीं है, यूनिट ध्यान रखिएगा बेटा लोगों, जूल अपॉन सेकंड नहीं है, क्या है, जूल सेकंड है। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप कौन सा है, क्या है न्यूनतम संभव ताप। देखिए बेटा जी 0 केल्विन जो है वो न्यूनतम संभव ताप होता है, क्लियर, और 0 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में लिखूं तो क्या हो गया −273 डिग्री सेल्सियस, क्या हो गया बेटा जी, न्यूनतम संभव ताप हो गया, कितना हो गया −270 डिग्री सेल्सियस, क्या हो गया न्यूनतम संभव ताप हो गया, क्लियर। चलिए तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु किस ब्लॉक में स्थित है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोल दिया, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु किस ब्लॉक में स्थित है। तो बेटा जी एस ब्लॉक जो है, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप है, कौन कौन सा, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहले वर्ग को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ए, और फर्स्ट ए को नाम क्या दे दिया, क्षारीय धातुएं, एल्काइली मेटल्स। सेकेंड है कौन सा, सेकेंड वर्ग कौन सा है, सेकेंड है मेंडलीफ के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो गया, क्षारीय मृदा धातु हो गया, कौन सा होगा, क्षारीय मृदा धातु है, किसमें है, एस ब्लॉक, तो आंसर तो क्या हो गया बेटा जी, एस ब्लॉक इसका आंसर हो गया, क्लियर। कौन कौन से है इसमें, है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। देखिए बेटा जी ध्यान रखिएगा, प्रबलतम अपचायक कौन है, लिथियम है, और सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन सी है, पोटेशियम, सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन सी है बेटा जी, पोटेशियम में सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है। इसके अंदर देखिए क्षारीय मृदा धातुओं में देखें तो कौन कौन सा है, क्षारीय मृदा धातुओं में है बेटा जी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। यहां पर फ्रॉन्शियम और रेडियम दोनों रेडियो सक्रिय, रेडियो धर्मी है, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न यौगिकों में से कौन सा ज्यामितिक समावयवता दर्शाएगा, क्या पूछ रहा है, निम्न यौगिकों में से कौन सा ज्यामितिक समावयवता दर्शाता है, क्या पूछ रहा है, ये निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा ज्यामितिक समावयवता दर्शा रहा है, ये हम लोगों को बताना है। देखिए बेटा जी ज्यामितिक समावयवता का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझ लीजिए, दो या दो से अधिक यौगिक जिनका क्या हो बेटा जी अणु सूत्र और संरचना सूत्र समान हो, परिभाषा देता हूं, दो या दो से ज्यादा यौगिक
जिनका अणु सूत्र व संरचना सूत्र समान हो। क्या बोल रहे हैं? दो या दो से ज्यादा यौगिक जिनका अणु सूत्र व संरचना सूत्र क्या हो बेटा जी? समान हो। दूसरी कंडीशन क्या है? देखिए अणु सूत्र संरचना सूत्र तो समान हो गया, लेकिन द्विबंधित कार्बन परमाणु के चारों ओर जो परमाणु या परमाणुओं के समूह है उनके त्रिविम में स्थिति क्या हो? भिन्न हो। किंतु द्विबंधित सी परमाणु के चारों ओर उपस्थित परमाणुओं या परमाणुओं की या समूह की त्रिविम में स्थिति भिन्न हो। क्या हो? जामित त्रिविम में स्थिति क्या हो बेटा जी? भिन्न हो। क्या कहलाते हैं? जामितिक समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा जी? जामितिक समावयवी कहलाते हैं। क्लियर? देखिए बेटा जी, अब देखिए टू ब्यूटीन, तो ये तो हो गया मेरा टू ब्यूटीन। टू ब्यूटाइन, देखिए बेटा जी टू ब्यूटाइन डिस्कस करूं और टू ब्यूटेनॉल, ये टू ब्यूटेनॉल हो गया। तो टू ब्यूटेनॉल तो दिखाएगा, ध्यान रखिएगा, टू ब्यूटेनॉल दिखाएगा प्रकाशिक समावयवता। ब्यूटेनॉल क्या दिखा सकता है? कौन सी समावयवता दिखा सकता है? स्थिति समावयवता दिखा सकता है। क्लियर? तो टू ब्यूटेनॉल और वन ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल क्या हो गए बेटा जी? स्थिति समावयवी हो गए। अब देखिए त्रिविम में स्थिति भिन्न, देखिए समझिएगा, अगर मैं डिस्कस करूं यही कंडीशन है, तो यदि समान समूह एक ही दिशा में हो तो ये तो क्या हो गया बेटा जी? समपक्ष रूप हो गया। और यदि विपरीत दिशा में हो तो क्या बोलेंगे इसको? विपक्ष या ट्रांस बोलेंगे। तो टू ब्यूटेन, देखिए अगर मैं टू ब्यूटाइन को डिस्कस करूं तो एक एक ही समूह है, CH3 CH3, तो स्थिति भिन्न के लिए बता ही नहीं सकते। तो कौन दिखा रहा है? जामितिक समावयवता। तो जामितिक समावयवता दिखा रहा है बेटा जी टू ब्यूटीन। क्या करेगा? जामितिक समावयवता दर्शाएगा। जामितिक समावयवता को वही सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं या समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 40 ग्राम NaOH को 1000 ग्राम जल में घोलने पर बना विलयन कहलाएगा। 40 ग्राम को देखिए, अब इसमें मेरे को क्या दे रखा है? मोलर, नॉर्मल, मोलल, पर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा बेटा जी, समझिएगा, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता होता है दिया गया द्रव्यमान अपॉन अणुभार इनटू विलयन का आयतन, किसमें? ml में। तो इसने तो आयतन दे रखा है, नहीं है तो मोलरता तो होगी नहीं। नॉर्मलता क्या हो गया बेटा जी? नॉर्मलता क्या हो गया? ग्राम तुल्यांक बार, एक लीटर आयतन में कितना ग्राम तुल्यांक है, तो ये भी आयतन हो गया, तो नॉर्मलता भी नहीं है। क्या दे रखा है? 1000 ग्राम जल में। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान अपॉन अणु भार इनटू 1000 अपॉन विलायक का द्रव्यमान। तो कौन सा विलयन हो गया बेटा जी? मोलल विलयन हो गया। कौन सा हो गया? मोलल। तो 40 अपॉन 40, 1000 अपॉन 1000, तो इसका अगर मोललता भी पूछ लेता तो क्या होता? 1 m होता, 1 mole/kg क्या हो जाता बेटा जी? इसका मोललता हो गया। क्लियर? तो विलयन कैसा कहलाएगा? 1 molal विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 molal। ध्यान रखिएगा बेटा जी, मोललता जो है वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ताप से आयतन परिवर्तित होता है, द्रव्यमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा हैलाइड जल अपघटन के प्रति स्थाई है? इसने क्या पूछ लिया? कौन सा हैलाइड जल अपघटन के प्रति स्थाई है? देखिए बेटा जी, ध्यान रखिएगा, ऐसा हैलाइड जो जामितिक रूप से
या त्रिविमीय रूप से क्या हो, अन्य कोई समूह आसानी से आक्रमण नहीं कर पाए। तो ध्यान रखिएगा बेटा जी, जल अपघटन के प्रति जो स्थाई है वो कौन सा है मेरा, जल अपघटन के प्रति जो स्थाई है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा स्थाई है बेटा जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है जल अपघटन के प्रति स्थाई है। इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक यदि डिस्कस करूं कार्बन टेट्राक्लोराइड का, वो होता है बेटा जी 77 डिग्री सेल्सियस। वायु से भारी है, बहुत अच्छे से अज्वलनशील है। यहां गलती करते हो आप, कौन सा है बेटा जी, अज्वलनशील है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है बेटा जी क्या है, ज्वलनशील है। ध्यान रखना इस चीज का, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो ज्वलनशील नहीं है बेटा जी, कैसा है, अज्वलनशील है। क्लियर? कहां उपयोग होता है, अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है, अग्निशामक के रूप में उपयोगी है। और इसी का दूसरा नाम है पाइरीन, औद्योगिक नाम है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही औद्योगिक नाम क्या है बेटा जी, पाइरीन। इसका क्या है, औद्योगिक नाम है। तो कौन सा हैलाइड जल अपघटन के प्रति स्थाई हो गया, या ये भी पूछ सकता है कौन सा हैलाइड जल अपघटित नहीं होता। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जल अपघटित नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सहसंयोजक, किसमें सहसंयोजक व आयनिक बंध दोनों होता है, क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसमें। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर सारे के सारे बंध क्या है, सहसंयोजक है। CaCl2 में दोनों बंध आयनिक है, NaCl में भी बंध कैसे हैं बेटा जी, आयनिक है। देखिए अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं डिस्कस करूं अमोनियम क्लोराइड को, किसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी, अमोनियम क्लोराइड को डिस्कस करें, तो अमोनियम क्लोराइड में देखिए ये तीन बंध तो हो गए इसके सहसंयोजक, एक बंध इसके अंदर अमोनियम आयन में कौन सा है बेटा जी, उपसहसंयोजक बंध है। तो अमोनियम आयन और सीएल आयन, तो ये ऐसा यौगिक है जिसके अंदर सहसंयोजक बंध भी है, उपसहसंयोजक बंध भी है और आयनिक बंध भी है। तो इसमें पूछा सिर्फ दो ही है, सहसंयोजक और आयनिक, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया बेटा जी, इसका राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर? चलिए बेटा जी अगला क्वेश्चन, निम्न में से कीलेट लीगेंड कौन सा है। देखिए बेटा जी कीलेट लीगेंड का मीनिंग क्या हुआ, या चक्रीय लीगेंड का मीनिंग क्या हुआ, ऐसा यौगिक या ऐसा लीगेंड जो केंद्रीय धातु आयन के साथ पांच से ज्यादा सदस्यीय वलय बनाए। क्या बनाया, ऐसा लीगेंड जो क्या कर रहा है बेटा जी, केंद्रीय धातु आयन के साथ में क्या बना रहा है बेटा जी, पांच या ज्यादा सदस्यीय है वलय का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, कीलेट लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी, कीलेट लिगेंड कहलाता है। देखिए एक एग्जांपल तो मैं पहले यहां दे देता हूं, इथेन 1,2 डाइएमीन या इथाइलीन एमीन, EN से दर्शाते हैं इसको, ये भी क्या है बेटा जी, मेरा कीलेट लिगेंड है। कैसे, देखिए EN है, प्लेटिनम के साथ में क्या करेगा, पांच सदस्यीय वलय का निर्माण कर दिया, तो ये कीलेट लिगेंड है। अब इसके अंदर देखिए कीलेट लिगेंड साइनाइड नहीं है, एसिटेट नहीं है, क्योंकि ये सब यूनिडेंटेड लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है, अमोनिया एक दंतुक लिगेंड है, सिर्फ ऑक्सलेट जो है वो कैसा है बेटा जी, द्विदंतुक लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है। अतः ये क्या बना सकता है बेटा जी, ये वलय का निर्माण कर सकता है। कैसा हो गया, ये ऑक्सलेट की संरचना हो गई, क्या हो गई, ऑक्सलेट की संरचना हो गई। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, किस अभिकर्मक के साथ C6H5OH बेंजीन देता है। यहां तो मैंने फॉर्मूला दिया, यहां ये साथ में और क्या कह सकता था बेटा जी,
किसके साथ में फिनॉल क्या दे रहा है, बेंजीन दे रहा है, फिनॉल क्या दे रहा है, बेंजीन। तो फिनॉल की, ये फिनॉल हो गया मेरा, फिनॉल की किसके साथ अभिक्रिया कराऊं कि मेरे पास क्या आ जाए, बेंजीन। तो बेटा जी जब भी जिंक डस्ट के साथ में, इसके साथ में जिंक डस्ट के साथ में जेडन चूरण के साथ में फिनॉल को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, बेंजीन बन जाता है, जेडनों का निर्माण होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका, बेंजीन। ये फिनॉल की अभिक्रिया हमने डिस्कस करी, राइट आंसर क्या हो गया, फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ में, जिंक चूरण के साथ में आश्रित करने के ऊपर क्या बनता है बेटा जी, बेंजीन का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सेल्यूलोज को तनु H2SO4 के साथ में उबाला जाता है, क्या बोला हमने, जब सेल्यूलोज को तनु H2SO4 के साथ में उबाला जाता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, क्या बोला, सेल्यूलोज को। देखिए बेटा जी बहुत अच्छे से समझिएगा, सेल्यूलोज फॉर्मूला होता है C6H10O5N, बहुलक है, किसका है, बहुलक। और सेल्यूलोज की जो मोनोमर इकाई होती है, एकलक इकाई होती है, वो होती है ग्लूकोज। क्या होती है बेटा जी, ग्लूकोज होती है। तो H2SO4 के साथ में गर्म किया तो कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा जी, जल अपघटन की अभिक्रिया होगी, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी। कौन सी होगी बेटा जी, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी, क्लियर। और ये जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो रही है इससे क्या बन रहा है, C6H12O6, किसका निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। इसका होता है ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। तो सेल्यूलोज के जल अपघटन भी लिख सकता था, यहां पे मैंने कंसंट्रेट H2SO4 आप लोगों को लिखा है। तो राइट आंसर क्या हो गया बेटा जी, इसका राइट आंसर हो गया ग्लूकोज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गमेक्सिन क्या है, क्या चीज है गमेक्सिन, क्या चीज है। देखिए बेटा जी अगर बेंजीन को, बहुत अच्छे से समझिएगा, यदि बेंजीन को क्लोरीन के साथ में, किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभिक्रिया गर्म किया जाता है तो योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन के सारे द्विबंध हट जाते हैं और सारे कार्बन परमाणुओं पे क्या बन गया, Cl ऐड हो गया। तो इसका फॉर्मूला होगा C6H6Cl6, इसी को अपन बोलते हैं ट्रिपल सिक्स भी बोलते हैं, गमेक्सिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गमेक्सिन भी बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं, ये इसी के नाम है। या तीसरा नाम क्या हो गया, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। या IUPAC नेम क्या हो गया, 1,2,3,4,5,6 हेक्सा क्लोरो बेंजीन, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। ये सब इसी के नाम है। तो गैमेक्सिन क्या हो गया बेटा जी, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, शॉर्ट में बोलेंगे BHC। क्या बोलेंगे बेटा जी, BHC इसको बोलेंगे शॉर्ट में, क्या बोलेंगे, BHC बोलेंगे, क्लियर, अंडरस्टैंड। किसकी तरह, कीटाणु नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, जर्मिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक स्थाई कौन सा होता है। देखिए बेटा जी बहुत अच्छे से समझिएगा, हमको बहुत अच्छे से मालूम है कौन से अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक, कौन कौन से बेटा जी, अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षक, अधिक स्थाई होते हैं, कौन कौन से बेटा जी, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थाई होते हैं। कारण क्या होता है, सममिति के कारण, सिमेट्री के कारण। तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक अपनी सममिति के कारण ज्यादा स्थाई होते हैं। किसके कारण बेटा जी, सममिति के कारण ज्यादा स्थाई होते हैं। तो एस पे लगता नहीं है तो P5 P3 P6
D5, D10 और F7, F14 अर्धपूरित पूर्ण पूरित हो गए। तो अब इसमें राइट ऑप्शन क्या हो गया, P3, D5 अर्धपूरित हो गए। तो ये अर्धपूरित क्या हो गए बेटा जी, ज्यादा स्थाई हो गए। क्या हो गए बेटा जी, ज्यादा स्थाई हो गए। क्लियर, अंडरस्टैंड, लोगों के साथ शेयर करो ठीक है। चलिए बेटा जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। EDTA में उपसह संयोजन संख्या क्या है, क्या पूछ रहा है EDTA में। देखिए बेटा EDTA अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहूं EDTA, देखिए बेटा जी EDTA डिस्कस करें तो EDTA का ये स्ट्रक्चर है, पूरा नाम क्या हो गया, इथेन 1,2-diamine टेट्रा एसिटेट। तो बेटा जी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितने दाता परमाणु हैं, 6 दाता परमाणु हैं। EDTA का पूरा नाम क्या हो गया बेटा जी, एथेन डाइएमीन टेट्रा एसिटेट, इथेन डाइएमीन टेट्रा एसिटेट क्या हो गया बेटा जी, इसका पूरा नाम हो गया। क्लियर, कितने दाता परमाणु हैं, 6 दाता परमाणु हैं, इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई बेटा जी, 6 इसकी उपसह संयोजन संख्या हो गई। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन, एक AMU के द्रव्यमान को पूरी तरह नष्ट करने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत आसान सा सिंपल वन, तो एक AMU द्रव्यमान को पूरी तरह नष्ट करने पर कितनी होती है, 1.9631 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। कितनी होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है बेटा जी, प्राप्त होती है। AMU क्या है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। मान कितना होता है एक AMU का, 1.66056 × 10⁻²⁴ ग्राम। क्लियर, चलिए बेटा जी अगला क्वेश्चन, यदि H3PO3 का अणुभार M है तो इसका तुल्यांकी भार क्या होगा। देखिए बेटा जी H3PO3 जो है उसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, फास्फोरिक अम्ल है। देखिए बेटा जी समझिएगा, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, कितने OS समूह है, 2 OS समूह है, तो ये क्या हो गया बेटा जी, द्विशारकी हो गया, कैसा हो गया, द्विशारकी अम्ल हो गया। कैसा अम्ल हो गया बेटा जी, द्विशारकी अम्ल है। और जब भी आप तुल्यांकी भार निकालते हैं तो क्या होता है, अणु भार अपॉन शारकता या अम्लता, अम्ल के लिए शारकता लिखते हैं, शार के लिए अम्लता लिखते हैं, तो कितने शार की है, द्विशार की है, तो इसका अणुभार क्या हो गया, तुल्यांकी भार क्या हो गया बेटा जी, m/2। तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो गया बेटा जी, m/2 क्या हो गया, इसका तुल्यांकी भार हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया मेरा, बी इसका मेरा राइट ऑप्शन हो गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभिक्रिया 2N2O5 4NO2 में इसने ये कंडीशन दे रखी है, तो K1 और K2 और K3 के अंदर क्या संबंध होगा। देखिए केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेग स्थिरांकों के मध्य संबंध आस कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा जी, वेग स्थिरांकों के मध्य संबंध आस कर रहा है। एक सेकंड आप लोग देखिएगा,
अब चलिए देखिए बेटा जी, क्वेश्चन इसने मेरे को बोल दिया था, इस क्वेश्चन में देखें तो 2N2O5 दे रखा है, क्या दे रहा है 4NO2+O2 दे रहा है, क्या दे रहा है 4NO2+O2 ये मेरे को गिवन कर रहा है। देखिए बेटा जी, इसके बेस के ऊपर देखूं तो क्या लिखूंगा, वेग स्थिरांक -1/2 डी N2O5 किसके अपॉन dt किसके बराबर हुआ +1/4 डी NO2 अपॉन dt के या फिर DO2 अपॉन dt के बराबर हुआ, प्लस में है। उत्पाद के बेस पे हमेशा धनात्मक होती है, अभिकारक के बेस में क्या होता है बेटा जी ऋणात्मक। देखिए क्या लिखेंगे, -d 1/2 N2O5 डी N2O5 इसकी वैल्यू लिखूं तो क्या हो गया, K1 मान लूं इसको, क्या मान लिया बेटा जी K1 क्या हो गया N2O5 के बराबर हो गया। सेम इसी रिएक्शन के अंदर यदि दूसरा पार्ट देखें तो डी NO2 अपॉन dt क्या हो गया, डी NO2 अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी बेटा जी K2 NO2 के बराबर हो गया और डी O2 अपॉन dt किसके बराबर हो गया बेटा जी K3 के बराबर हो गया, KO2 के बराबर हो गया, K3O2 के बराबर हो गया। ये तीनों का वेग स्थिरांक निकाल लिया। देखिए अब इस डी N2O5 की जगह ये लिख सकता हूं इस समीकरण में, तो क्या हो जाएगा 1/2 डी N2O5 की जगह क्या हो गया K1 N2O5 यही हो गया, क्या हो गया बेटा जी K1 N2O5 इसकी जगह ये मान रख दें तो क्या हो गया 1/4 K2 NO2 और इसका मान क्या हो गया बेटा जी K3 O2 यही हो गया। देखिए अब इस समीकरण को सिंपल करने के लिए क्या करूं बेटा जी, 4 से गुणा कर लूं, क्या किया बेटा जी 4 से गुणा कर लिया। देखिए 4 से गुणा करने पे क्या आ रहा है K1 अपॉन 2, 4 से गुणा किया तो K1 अपॉन 2 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा, K1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, देखिए 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2K1, 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2K1 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया तो ये क्या हो गया K2 हो गया और वहां 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4K3 हो गया। तो रिलेशन क्या हो गया, ये इनके मध्य संबंध हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा जी इसका, राइट ऑप्शन क्या हो गया बी, इसका राइट आंसर आ गया, बी इसका क्या हो गया बेटा जी राइट आंसर हो गया, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वही 4 दे दिए इनके विलेयता गुणनफल के मान दे दिए, विलयन बूंद बूंद करके, तो एबीसी आयन सर्वप्रथम कौन सा अवक्षेपित होगा, क्या पूछ रहा है बेटा जी सर्वप्रथम कौन सा अवक्षेपित होगा, क्लियर। देखिए बेटा जी बहुत अच्छे से समझिएगा, किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी यौगिक के लिए जैसे जैसे विलेयता गुणनफल के मान बढ़ते हैं तो जल में विलेयता क्या होगी बढ़ती है। देखिए के मान बढ़ने पर जल में विलेयता बढ़ती है, के मान बढ़ने पे क्या हो रहा है बेटा जी जल में विलेयता बढ़ती है, जैसे जैसे के मान में वृद्धि हो रही है बेटा जी क्या हो रही है जल में विलेयता में क्या हो रही है बेटा जी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका केएसपी का मान, जिसका विलेयता गुणनफल का मान क्या होगा सबसे कम होगा वो क्या होगा सबसे पहले अवक्षेपित होगा, क्या हो गया जिसके विलेयता गुणनफल का मान, जिसके केएसपी का मान सबसे कम है वो सबसे पहले अवक्षेपित हो गया, सबसे पहले अवक्षेपित होगा। तो विलेयता गुणनफल का मान सबसे कम किसका है, देखिए इसमें से जल्दी से बताइए, तो विलेयता गुणनफल देखिए सबसे कम किसका है, एम ए का मान सबसे कम है, सबसे कम किसका है, ये सबसे कम मान है, तो सबसे पहले अवक्षेपित कौन होगा, ये होगा। फिर समझ लो
केएसपी विलेयता गुणनफल के मान में वृद्धि के साथ जल में विलेयता बढ़ती है। अगर विलेयता पूछ लेता तो मेरा आंसर क्या होता, सबसे ज्यादा किसकी है, जो सबसे ज्यादा जिसका है वो ही क्या होता, सबसे पहले सबसे ज्यादा विलय होता। तो सबसे ज्यादा विलय कौन होता, एमबी होता है, क्योंकि इसका क्या है 4 × 10⁻³ होता, सबसे कम के ज्यादा किसका है, इसका है। चलिए अगला क्वेश्चन, F2+ ion को FeCl6 ion में मिलाने पे नीला रंग आता है, क्या आता है बेटा जी, नीला रंग आता है। देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं क्या कह रहा है, Fe2+ ion को किसमें मिलाया बेटा जी, FeCN6⁻³ में मिलाया, इसमें मिलाने पे क्या आ रहा है बेटा जी, नीला रंग आ रहा है, क्या आ रहा है, नीला रंग आ रहा है। तो जो बनता है वो बनता है बेटा जी Fe3 FeCN6 2, इसको बोलते हैं बेटा जी पर्शियन ब्लू, क्या कहते हैं इसको, सॉरी टर्बुनल ब्लू, टर्बुनल्स ब्लू बोलते हैं। ये तो पर्शियन ब्लू हो गया, आप लोग टिक करके आते हैं पर्शियन ब्लू पे, पर्शियन ब्लू नहीं है ये, पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला, और ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा जी, टर्बुनल्स ब्लू का फॉर्मूला हो गया। तो क्या बनेगा, टर्बुनल्स ब्लू बनेगा, डिफरेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ कहीं, राइट आंसर क्या हो गया, टर्बुनल्स ब्लू क्या हो गया बेटा जी, इसका राइट आंसर हो गया, क्लियर। चलिए बेटा जी अगला क्वेश्चन, किसी धातु के A1 ग्राम के ऑक्सीकरण पे A2 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। देखिए तुल्यांकी भार क्या होता है, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक, तुल्यांकी भार क्या हुआ बेटा जी, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक का द्रव्यमान क्या कहलाता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। और तुल्यांकी भार निकालते कैसे, तुल्यांकी भार निकालते हैं बेटा जी, अभी बता के आए थे, अणुभार अपॉन अम्लता या क्षारकता या त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, क्लियर। यानी वो ऑक्सीकारक भी हो सकता है, अपचायक भी हो सकता है, यानी क्या हो 8 ग्राम ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करे, या फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त हो, 1 ग्राम हाइड्रोजन का अपचयन हो, क्लियर। तो ये क्या कर रहा है, किसी धातु के A1 ग्राम का, ये A1 ग्राम हो गया ऑक्सीकरण हो रहा है, क्लियर। क्या हो रहा है बेटा जी, A1 ग्राम का तो ऑक्सीकरण हो रहा है और A2 ग्राम ऑक्साइड बना, तो A1 ग्राम का ऑक्साइड हो रहा है, A2 ग्राम बन रहा है, तो कितना हो गया, क्या बच गया, A2 - A1 डिवाइडेड बाय A1, क्योंकि A2 बन रहा था ना, ऑक्सीकरण हो रहा है तो कितने ग्राम से, ऑक्सीजन से, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो तुल्यांकी भार क्या हो गया बेटा जी, A2 - A1 / A1 × A, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर हो गया। अगेन बेटा लोगों डिफरेंट क्वेश्चन है, कैसा है, डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका बॉन्ड ऑर्डर समान है, क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसका बॉन्ड ऑर्डर समान है। देखिए बेटा जी बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस करूं, यानी कितने बंध उपस्थित है, कितने बंध उपस्थित है, ये हम लोगों को बताना है। देखिए बेटा जी समझिएगा, अगर मैं डिस्कस करूं बॉन्ड ऑर्डर के लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए देखिए CN को डिस्कस करें, CN-, क्या डिस्कस करें बेटा जी, CN-, तो कार्बन में 6 था, नाइट्रोजन में कितना हो गया बेटा जी 7 माइनस है, तो 8 × 14 = 14 हो गया, क्लियर। बंद कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या / 2, तो बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 - 4/2, तो आंसर क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर साइनाइड का क्या हो गया, 3 हो गया, क्लियर। सेम वन इसी के अंदर देखें NO+ का,
एनओ प्लस का देखें तो देखिए बेटा जी, सात हो गए ऑक्सीजन में, आठ थे एक त्याग दिया, सात तो वही 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 10 - 4/2, तो बंध क्रम क्या हो गया, 3 हो गया। तो साइनाइड और एनओ प्लस में क्या है, बंध क्रम समान है, तो राइट आंसर क्या हो गया बेटा जी, ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्पाद का नाम बताना है, क्या बताना है बेटा जी मेरे को, उत्पाद का नाम बताना है। देखिए इसके अंदर डिस्कस करूं तो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या हो गया बेटा जी, CH3 लिख सकता हूं ऐसे, क्या हो गया 2-methylpentane है, क्या हो गया बेटा जी 2-methylpentane है। देखिए बेटा जी 2-methylpentane को AlCl3 की प्रेजेंस में कितना कर रहे हैं बेटा जी, 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, समावयवीकरण अभिक्रिया हो गई, समावयवियों का निर्माण होगा, क्या हो गया समावयवों का निर्माण हो गया, तो समावयवों का निर्माण हो गया तो क्या बनेगा बेटा जी, ये समावयवी निर्मित हुआ, तो क्या हो गया 2,3-dimethylbutane, क्या हो गया 2,3-dimethylbutane बना, कौन सा बना 2,3-dimethylbutane, तो देखिए इसमें 2,3-dimethylbutane कौन सा है, ये 2,3-dimethylbutane है, तो सी क्या हो गया बेटा जी इसका राइट आंसर हो गया, सी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, दो रेडियो सक्रिय तत्व, किसी रेडियो सक्रिय तत्व ए का विघटन होता है और बी और सी देता है, देखिए बेटा जी क्या कह रहा है, ए का विघटन होकर क्या बना, बी और सी बना, अब सी का परमाणु क्रमांक इसने बोल दिया 90, एम परमाणु द्रव्यमान बोल दिया 334, कितना बोल दिया 334, तो 90 334, क्लियर, तो 90 गया कितना था, अब 90 गया और 334 बन रहा है, तो परमाणु द्रव्यमान 234 है, तो ए तत्व कौन सा है, देखिए 90 का मतलब क्या हो गया, थोरियम हो गया, 90 कौन सा हो गया, थोरियम, तो क्या बनेगा बेटा जी, हीलियम और थोरियम का निर्माण हुआ, तो किसके विघटन से, यूरेनियम के विघटन से, किसके विघटन से बेटा जी, यूरेनियम 92 के विघटन से क्या बन रहा है बेटा जी, हीलियम और थोरियम बन रहा है, तो राइट आंसर क्या हो गया, यूरेनियम इसका राइट आंसर हो गया, ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, केएसपी 34-64 ATM है, तो साम्य अवस्था पर मिश्रण का दाब क्या हो गया, देखिए रिएक्शन दे रखा है, केपी के पे दे रखा है, और क्या आस कर रहा है बेटा जी, मिश्रण का दाब आस कर रहा है, क्या आस कर रहा है, मिश्रण का दाब। देखिए इस क्वेश्चन को अपन कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं, एक और देखिए बेटा जी इस क्वेश्चन को देखिए, तो क्या दे रखा है इसने मेरे को, NH4 क्या दे रखा था रिएक्शन में, NH4S विघटित होकर क्या दे रखा है बेटा जी, NH3 और H2S दे रखा है, क्या दे रखा है, NH3 और H2S, तो दोनों गैसें थी, ये क्या था बेटा जी, ठोस था, तो प्रारंभ में दाब क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि इसका तो कोई दाब होगा ही नहीं, ठोस है ना, तो इनका दाब भी क्या हो गया, ये हो गया। साम्य अवस्था पर इसका दाब क्या हो गया, शून्य होगा, इसका क्या हो गया, P/2, इसका भी क्या हो गया, P/2 हो गया, क्लियर, अंडरस्टैंड। देखिए केपी का मान निकालूं तो केपी का मान क्या हो जाएगा, NH3 का दाब इंटू H2S का दाब, यही होगा। केपी का मान इसने दे रखा है मेरे को, तो केपी का मान कितना है 64, इसका मान कितना हो गया, P/2 × P/2, यही हो गया। तो देखिए बेटा जी क्या हो जाएगा, 64 इक्वल क्या हो गया, P²/4, तो P²/4 की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 64 × 4 = 256,
तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 256 का अंडर रूट, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी 256 का क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, 256 का अंडर रूट कितना है 16, तो क्या आंसर आ गया 16 एटीएम इसका आंसर आ गया। तो राइट आंसर क्या हो गया बेटा जी 16 एटीएम क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस अभिक्रिया में उत्पाद बताना है मेरे को, क्या बताना है इस रिएक्शन के अंदर उत्पाद बताना है कि उत्पाद क्या बन रहा है। देखिए बेटा जी इस रिएक्शन को डिस्कस करें तो क्या है बेसिकली कौन सी है हैलोजनीकरण की अभिक्रिया है, क्लियर। तो हैलोजनीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, देखिए ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बनेगा, एक तो एसीटोन का निर्माण होगा, क्या बना एसीटोन बन गया, और दूसरा उत्पाद क्या बनेगा, एक तो एसीटोन बनेगा और क्या बनेगा बेटा जी प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा, कौन सा प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा 2-2-2 डाई मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण होगा। तो एक तो ये बन रहा है, एक क्या बन रहा है एसीटोन बन रहा है, देखिए कहां पे है, देखिए कहां पे है, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया एसीटोन प्लस 2-2 डाई मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल क्या हो गया बेटा जी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए बेटा जी अगला क्वेश्चन, किसका गलनांक व क्वथनांक सर्वाधिक है। देखिए बेटा जी समझिएगा, एल्केनों को यदि डिस्कस करूं तो एल्केनों का जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला के अंदर वृद्धि होती है, क्या हो रहा है जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बड़ी होती जाएगी परमाणु अणु भार के अंदर वृद्धि होती जाएगी, गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे बेटा जी बढ़ेंगे, और शाखन में वृद्धि होने पर गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं बेटा जी घटते हैं। तो अब देखिए सबसे ज्यादा, देखिए 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 इन दोनों में शाखन सबसे ज्यादा है, तो गलनांक और क्वथनांक किसका हो गया एन एल्केन का गलनांक और क्वथनांक क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, यानी बिना शाखा वाली का एन एल्केन का, तो अशाखित का सबसे ज्यादा होता है, अशाखित कौन सा है फर्स्ट है, तो गलनांक और क्वथनांक किसका सबसे ज्यादा होगा बेटा जी एन पेंटेन का, ये एन पेंटेन है इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, क्लियर। चलिए बेटा जी अगला क्वेश्चन, एक रासायनिक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित भार के अनुपात में संयुक्त रहते हैं। देखिए इसी को दूसरे वे में बोल देता हूं, जब भी दो या दो से अधिक तत्व संयोग करके कोई यौगिक बनाते हैं तो अपने द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में या भार के निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनेट। दिया किसने था जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, किसने दिया था बेटा जी जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, क्लियर डन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक लैसाने परीक्षण देता है। देखिए बेटा जी बहुत अच्छे से समझिएगा, लैसाने परीक्षण जो है उसके अंदर क्या किया जाता है, लैसाने परीक्षण देता है नाइट्रोजन सल्फर और हाइड्रोजन, क्या किया जाता है यौगिक को बेटा जी क्या करते हैं किसके साथ में सोडियम धातु के साथ में गर्म किया जाता है, किसके साथ में सोडियम धातु के साथ में गर्म किया जाता है, जिससे क्या बन जाता है उसका सोडियम लवण बन जाता है, सोडियम लवण का निर्माण होता है, क्लियर अंडरस्टैंड। अब लैसाने नाइट्रोजन को अलग करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा जी सोडियम साइनाइड बनाया और सोडियम साइनाइड में अब देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा, नाइट्रोजन को अलग कौन सा लाल रंग देगा। देखिए बेटा जी लैसाने परीक्षण में नाइट्रोजन का जो रंग आता है वो आता है पर्शियन ब्लू, फेरोसाइनाइड बनने के कारण क्या आता है पर्शियन ब्लू, और ये क्या बोल रहा है लाल रंग। अब लाल रंग तो इनमें से सब में नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, तो लाल रंग कोई सा भी नहीं दे रहा, सारे के सारे क्या देंगे बेटा जी पर्शियन ब्लू कलर देंगे, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं क्या हो गया बेटा जी इसका राइट आंसर हो गया। साइक्लोहेक्सेन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है। देखिए बेटा जी समझिएगा, साइक्लोहेक्सेन के दो रूप होते हैं, ये तो होता है इसका वलय रूप,
दूसरा होता है बेटा जी इसका कुर्सी रूप, दूसरा कौन सा होता है इसका कुर्सी रूप होता है। देखिए कुर्सी रूप किस तरीके से हुआ, तो सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा होता है कुर्सी रूप, इसका सर्वाधिक स्थायी रूप होता है। तो साइक्लोहेक्सेन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है कुर्सी रूप है। निम्नलिखित यौगिकों की स्थिरता का बढ़ता क्रम है, देखिए बेटा जी बहुत अच्छे से समझिएगा, वह एल्केन सारी की सारी एल्कीन है, तो वह एल्कीन सबसे ज्यादा स्थाई होती है जिसमें क्या होता है बेटा जी द्विबंधित कार्बन परमाणुओं के ऊपर क्या हो, द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर क्या हो बेटा जी एल्किल समूह की संख्या सबसे ज्यादा हो। देखिए बेटा जी इसका यदि रूप मैं डिस्कस करूं इसके बेस में देखूं तो सबसे ज्यादा स्थाई कौन सा रूप होगा, तो सबसे ज्यादा स्थाई होगा बेटा जी ये वाला, ये सबसे ज्यादा स्थाई हो गया, क्लियर, सबसे ज्यादा द्विबंधित इसी के ऊपर है। फिर कौन सा आएगा इसके बाद में, ये वाला आ गया, फिर कौन सा आ गया ये वाला आ गया, तो ये पहला हो गया, ये अपने ऑप्शन में तीसरा था। फिर इसके बाद में सबसे कम स्थाई कौन सा हो गया, और सबसे कम स्थाई कौन सा हो गया, ये सबसे कम स्थाई हो गया। तो क्रम क्या हो गया बेटा जी, पहला तीसरा, पहला तीसरा, हाँ, तो ए इसका क्या हो गया बेटा जी राइट ऑप्शन हो गया, ए क्या हो गया इसका राइट ऑप्शन हो गया, वो क्रम हम लोग आप पिछली स्लाइड में आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न आयनों में से कौन सा अनुचुंबकीय आयन है। देखिए अनुचुंबकत्व के लिए क्या होना चाहिए, अनुचुंबकत्व के लिए क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए Mg क्या था 12, और 3s2 था, दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए कोई भी अयुग्मित नहीं है। Al 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए क्या रह जाएगा 2p6, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। Zn 3d10 4s2 था, दो त्याग दिए 10, कोई भी अयुग्मित नहीं है। Fe का डिस्कस करूं तो क्या था 3d6 4s2, तीन इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो क्या बन गया 3d5, तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा जी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इन 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय कौन हो गया Fe हो गया, राइट आंसर क्या हो गया Fe3+। चलिए बेटा जी हाइड्रोजन और क्लोरीन से HCl बनता है, सोडियम से और क्लोरीन मिलकर तो द्रव्यमानों का, देखिए क्या पूछा इसने NaCl में द्रव्यमान का अनुपात, तो 23 क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो वही स्थिर अनुपात का नियम है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया 23 × 35.5, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बोरेक्स सोडियम मेटाबोरेट, बोरेक्स बोल लो सोडियम मेटाबोरेट बोल लो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा जी Na2b4o7.10h2, ये बोरेक्स या सोडियम मेटाबोरेट का सूत्र है बेटा जी, इसको ऐसे भी लिख सकता था ये Na2b4o5H2O2 × 8H2, ये दोनों के दोनों सूत्र किसके हैं बोरेक्स के हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा जी सी इसका राइट ऑप्शन हो गया, क्रिस्टलीकृत जल अवेलेबल है 10 अणु जल के हैं, तो बोरेक्स का रासायनिक फॉर्मूला। चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यौगिक का IUPAC नेम क्या है, इस यौगिक का IUPAC नाम बताना है। तो बेटा जी ये यौगिक अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो CH2 क्या हो जाएगा बेटा जी CH2CH3CH, यही है, इन और आइन दोनों है, कौन सा है ब्यूटीन है, तो क्या हो गया ब्यूट
देखिए 1, 2, 3, 4 तो नेम क्या हो गया बेटा जी, ब्यूट, 1-ईन 3-आइन इसका राइट आंसर हो गया। तो 1-ब्यूटेन क्या हो गया बेटा जी, अगर इसका राइट ऑप्शन देखें तो ब्यूट 1-ईन 3-आइन तीनों में से कहीं भी नहीं है, क्लियर। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, डन। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, अणुभार ज्ञात करने हेतु सिल्वर सॉल्ट विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए बेटा जी, सिल्वर सॉल्ट विधि का उपयोग किया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का अणुभार ज्ञात करने के लिए। किसके लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुभार ज्ञात करने के लिए। तो अम्ल कौन से हो गए, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा जी, डी इसका राइट ऑप्शन हो गया, क्लियर, डन। तो बेटा जी यहां आज अपने ये जो 40 क्वेश्चन था टेस्ट नंबर 2 के, वो यहां पे फिनिश होते हैं। फिजिक्स और बायो के आपको दिन में मिल जाएंगे, रिमेनिंग परसों फिर हम मिलेंगे तीसरा टेस्ट लेके। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, राधे राधे।